थोड़े टाइम में एकदम मुंह में चढ़ गया ये सॉन्ग. तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है गाने का. मालविका आप बताइए, इन्होंने गाना गाया है, सिंगर भी और आर्टिस्ट भी, तो मालविका मेरे साथ गाना अच्छा बना सकती है. पूरा कोरियोग्राफ तो सर ने किया है, मास्टर जी ने किया है, कॉन्सेप्ट उनको पता है वो किस हिसाब से मुझे लोग देना चाहते हैं. लेकिन गाना मेरा फर्स्ट टाइम है, तो रिप्रेजेंट मैं फर्स्ट टाइम एज अ सिंगर हो रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. अभी मास्टर जी मुझे किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे थे उनको पता है. गाना बहुत ज़बरदस्त है. जब मेरे पास एक गाना आया था, मुझे कहा गया कि गाना थोड़ा उसके पीछे बोला हल्का पीछे तुम पीछे आ रहे हो. मतलब मेरे को पहले गाना सुना, फिर उन्होंने मुझे गाना सुना है, तो बोला कि जो गा रही है वही सिंगर है. तो मतलब पहले उनको देखो फिर डांस कैसे करते. मालविका मेरे पास बहुत नर्वस थी कि कैसा करेंगे क्या करेंगे. तो फिर उन्होंने एक आइडिया किया, उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक LED बॉक्स बनाया, कम से कम 30x30 का, अभी आप लोग देखेंगे उसको शूट करेंगे. तो उसमें अलग अलग चीता के साथ इनकी एंट्री है, और दो कॉस्ट्यूम है, एक इंडियन कॉस्ट्यूम एक वेस्टर्न कॉस्ट्यूम. और इन्होंने बहुत मेहनत की, कम से कम 5-6 दिन रिसर्च की, डांस किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया. तो जिस तरह से नर्वसनेस दिखा रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट है ये, तो बहुत अच्छा कर रही. और CSP प्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहा है, गाने को लॉन्च कर रहा है, प्रोडक्शन उनका है, प्रोड्यूसर वो है. तो मैं उनको बोलूँगा बहुत बहुत मुबारक आपको ये एल्बम के लिए एंड सिंगल के लिए, बहुत अच्छा. ओके मैम, ये म्यूजिक के साथ डेब्यू भी कर रहे हैं एज अ सिंगर, सो आर यू नर्वस? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगर के लिए हाँ, डेब्यू सिंगर में हो रहा है तो मैं नर्वस तो हूँ थोड़ा बहुत. लेकिन शूटिंग में जब सब लोग मेरा गाने का तारीफ कर रहे कि अच्छा गाए तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है. और गाना का जो लिरिक्स इतना कैची है, तो मुझे उसमें गाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, तो परफॉर्म करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है. तो उसमें अभी नर्वसनेस एकदम चला गया, अभी जब रिलीज होगा तब पता चलेगा. और जो हुक्स्टेज है जो मास्टर जी ने डाला है, उसमें तो अभी मुझे लगता है कि जब ही लोग गाना सुनेंगे किल करता तो वन शुड बी देयर, हाँ लोग ऐसे ही करेंगे. तो लेकिन एक्टिंग के लिए परफॉर्मेंस के लिए नर्वस एकदम नहीं हूँ, क्योंकि मास्टर जी डांस करा रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम जब मैं सुनी कि मास्टर जी डांस करेंगे, जब प्रोडक्शन हाउस से मुझे बोला कि मास्टर जी डांस करा रहे हैं, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ. क्योंकि बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ कि उनका कोरियोग्राफी हम लोग डांस भी करते, एवरीथिंग जो भी मेरा फेवरेट गाना है सो मास्टर जी का. बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मैं फर्स्ट टाइम मेरा जो सिंगिंग का डेब्यू होने वाला है वो मास्टर जी के पास है. ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है. मलोबिका जी, आपका आपने कनिका कपूर के साथ परफॉर्म किया उनके गाने पे जो T-Series से लॉन्च हुआ था, एक शाहिद मालिया के साथ आपका गाना आया था, एक साउथ में तेलुगु सॉन्ग आया है, अब ये आप डेब्यू करें एज अ सिंगर, तो ये गाना कब लॉन्च होगा? इस गाने के बारे में मतलब आप रिहर्सल आपने कितने दिन किए? मैंने 4-5 दिन रिहर्सल किया था. और ये जो पहले का आप लोग ने जो बताया जो भी शाहिद मालिया के साथ जो वो उनके गाने को जो मैंने परफॉर्म किया था उसके जी में रिलीज किया था, तो उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरा लुक्स मेरा एटीट्यूड और मेरा थोड़ा स्टाइल ये सब था. उसके पहले जो गाना था प्रीटी गर्ल, उसमें कनिका कपूर जी ने गाया था, तो उसमें डांस वगैरह बहुत अच्छा था. और लेकिन ये मेरे लिए स्पेशल क्योंकि इसमें मैंने खुद गाया है, और बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, बहुत जल्दी, मतलब हो सकता है कि मार्च मंथ के अंदर आप लोग को पता है ये गाना आ जाए. अभी मास्टर जी देखेंगे किस हिसाब से कर क्या है कैसे, उनको ही पता है कि कब ये चीज़ मतलब फाइनल जो आउटपुट है वो आएगा, उसके बाद ओके. जैसे कि सर कितना वक्त लगा मैम को सीखने के लिए, डांस सिखाने के लिए, थोड़ा सा कुछ बता. मैंने कहा ना आपको जब आए थे तो ऐसा लगा था नर्वस लेकिन जब मैंने डांस किया रिहर्सल किया तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लगी, क्योंकि जो इंसान खुद गाता है उसको फीलिंग्स पता होती है, गाने के एक्सप्रेशन पता होते हैं, सब पता होते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी, मालविका ने बहुत अच्छा किया और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा. मैं बहुत कम सिंगल्स करता हूँ एल्बम, इसलिए मुझे गाना बहुत अच्छा लगा इसका. इन्होंने जो चाहे मुझे दिया. ये LED स्क्रीन बहुत महंगी होती है, जैसे LED बहुत कॉस्टली होती है, जैसे आप देखते हैं इंटरनेशनल एल्बम्स में होता है सब कुछ. उन्होंने जो CSP प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा गणेश जी, आपको नाचने में ज़्यादा मज़ा आता है कि नचाने में ज़्यादा मज़ा आता है? पता नहीं, मुझे नाचने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, नचाने में आता है. लेकिन क्या करूँ मैं, जब से मैंने घाटक का गाना किया मारा ने तब से मुझे लोग नचा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं नाच रहा हूँ. मैं मना भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उनको
सब जितने हैं उस वक्त से लोग ये सोचते कि मैं आता हूँ तो गाना हिट हो जाता है या कुछ ऐसा कुछ करें, लेकिन सच बताओ मुझे नचाने में बहुत मज़ा आता है। तो आपको लकी चार्म लोग फील करते हैं आपको? हाँ, क्योंकि गाने ऐसे बहुत सारे हिट हुए हैं और मैं थोड़ा सा फिगर वाइज बहुत ऐसा था, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ अलग है। बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझे, ऑडियंस बहुत प्यार करते हैं, तो कोशिश करता हूँ। और मैं गाने बोल बताऊँ, मेरी एक शॉट आने से शायद दो खुशियाँ मिलती है डेफिनेट। मैम, गाना बनाने में कितना समय लगा आपको, मतलब लिखने में? गाना तो लिखे शब्बीर अहमद जी ने, वो ऑलरेडी इतना अच्छे गाने लिखे। उसके बाद फाइनली जब गाना शूट मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे दो दिन में फुल्ली मैं रिकॉर्डिंग कर ली। मुझे लगा था मुझे 10 days लगेगा, तुम लोग बोल रहे तो बहुत टाइम लगेगा ये। उसके बाद मैं जब 2 दिन में मतलब गाना रिकॉर्डिंग कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि आउटपुट कैसे आने वाला है, लेकिन सुन के मुझे अच्छा लगा। और जो लोग अभी भी सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हो और जो डांसर्स हैं, सब लोग मुझे फर्स्ट वो लोग को तो पता नहीं था मैंने गाया, जब बहुत अच्छा गाना है बहुत अच्छा गाना है, फाइनली जब मैं बोल दूँ कि मैंने गाया है तो मैम आपने गाया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सिंगर से बॉलीवुड में इतना अच्छा अच्छा सिंगर से इतना टैलेंटेड उसके अंदर अगर मेरा गाना लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेस है। तो मुझे शब्बीर जो लिरिक्स राइटर है शब्बीर, उसने इससे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा कि गाना आपको करना है इससे लड़के। शब्बीर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उसका गाना शब्बीर, तो बस शब्बीर ने लिखा है और गाना बहुत अच्छा है। और कुछ सर, जैसे कि आपका क्लास एकेडमी भी शुरू हुआ है, थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहिए? गाना उस दिन बताया, हाँ उस दिन भी बताया था, लेकिन कहाँ कहाँ किस तरह से चल रहा है थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। 14 February को लखनऊ वाला के यहाँ पे बहुत बड़ा मेरा स्टूडियो ओपन होगा और 14 February को एक कोई अच्छा आर्टिस्ट आएंगे वो लॉन्च करेंगे उस अकेले को। वो इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, क्लास जैसा नहीं है, वहाँ पे 12 महीने का पूरा एक कोर्स होगा जिसमें आप पूरा बॉलीवुड स्टाइल सीख के जा सकते हैं, जैसा गणेश आचार्य स्टाइल। बस तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है। तो जो मुझे ऐसा था, मुझे ऐसा लगा था कि गणेश आचार्य स्टाइल जो लोगों को लगता है वो मेरे लोगों के छोटे छोटे देश में वर्ल्ड में लोगों के दिल में बसा, तो वही हो रहा है। सर, कल काफ़ी बड़ी दुख खबर आई नाना पाटेकर जी के माता जी की, कुछ कहना चाहिए? मैं जाने वाला हूँ उनके पास, मेरा शूट कर रहा हूँ, मुझे कल पता चला, तो मैंने आज सुबह बात की किसी दोस्त से, उन्होंने बोला कि मैं जाऊँगा शूटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।